चलो तो हमने एच मैक्स वगैरह निकाल लिया था, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन में इसको बोलते क्या, एच मैक्स इसको बोलते हैं आपको रेंज, और इसको यू वेलोसिटी से मैंने थ्रो किया था, थीटा एंगल पर इसका कंपोनेंट आया था इस तरफ यू कॉस थीटा, ऊपर की तरफ कंपोनेंट आया था क्या यू साइन थीटा, ठीक है। तो सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, टी बराबर टू यू साइन थीटा बाई जी, एचमैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एचमैक्स का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी, और रेंज का फॉर्मूला क्या होता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, यही थे फॉर्मूले, ठीक है। अब देखो इसके बाद अब दो तीन चीजें और देखते हैं क्या क्या, किसी भी एच हाइट पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी उसको निकालते हैं, वेलोसिटी एट एनी हाइट एच, एनी हाइट एच पर, तो मुझे हाइट पता है और मुझे वेलोसिटी फाइंड करनी, मैंने कितने एंगल पे थ्रो किया, यू वेलोसिटी से थ्रो किया थीटा एंगल पर, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ इस तरह से होगा, मुझे एच हाइट पर इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है, मान लो ये हो गया आपका एच हाइट, पार्टिकल यहां पहुंच गया, तो यहां पर इसकी वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में हो जाएगी, तो थीटा यहां पर बढ़ गया या घट गया, ये जो एंगल है जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाता है तो इसका थीटा बढ़ता है या घटता है या सेम रहता है, जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाता है तो इसका थीटा क्या होता जाता है, एंगल कम होता होता है, एंगल और नीचे जाता है तो फिर एंगल वापस बढ़ने लग जाता है, ठीक है। तो यहां पर एंगल चेंज हो गया होगा, यहां पर एंगल चेंज हो गया होगा, तो मैंने सपोज कर लिया यहां पर एंगल कितना है अल्फा, कितना एंगल है अल्फा, यहां पर मैंने सपोज कर लिया कि यहां पर इसकी पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है वी, तो इस वी के मैंने दो कंपोनेंट करे, एक कंपोनेंट आया वी कॉस अल्फा और एक कंपोनेंट आएगा ऊपर की तरफ दैट इज वी साइन अल्फा, वी कॉस अल्फा और U v sin alpha, उसी तरह से u के भी दो कंपोनेंट करेंगे, इनिशियली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी थी u cos theta और ऊपर की तरफ वेलोसिटी थी u sin theta, ठीक है, u cos theta और u sin theta। अब देखो इधर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जो लग रहा है वो लग रहा है नीचे एट g की तरफ, नीचे की तरफ लग रहा है, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यू कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो मैंने बताया था कि अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो बॉडी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी सेम ही रहेगी, इसका मतलब ये जो वी कॉस अल्फा है और यू कॉस थीटा है ये आपस में बराबर होंगे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो उस दिन भी बताया था मैंने, तो मैं लिख सकता हूं कि वी कॉस अल्फा इक्वल टू होगा यू कॉस थीटा के, दिस इज द इक्वेशन नंबर वन, वी कॉस अल्फा यू कॉस थीटा के बराबर होगा, क्या यहां तक बात क्लियर है मेरी। अब वी साइन अल्फा यू साइन थीटा और हाइट और जी अलोंग वाई डायरेक्शन फाइनल वेलोसिटी, मतलब एच हाइट के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई वी साइन अल्फा, इनिशियल वेलोसिटी हो गई यू साइन थीटा और हाइट कितनी है इसकी एच हाइट है, तो इनके सबके बीच में मैं रिलेशन बना सकता हूं, कौन सा रिलेशन है, दैट इज मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस, फाइनल वेलोसिटी डायरेक्शन भी मान लो, डायरेक्शन ऊपर की तरफ हम लोग लेंगे पॉजिटिव और नीचे हम लोग लेते हैं नेगेटिव, तो फाइनल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव में आएगा कितना वी साइन अल्फा का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है अलोंग वाई डायरेक्शन ले रहा हूं, ध्यान रखना
u साइन थीटा का स्क्वायर टू, a की वैल्यू a नीचे है तो माइनस का g आएगा, और डिस्प्लेसमेंट हुआ यहां से यहां तक ऊपर की तरफ तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हुआ तो h ले लेंगे हम लोग। सॉल्व करो इसको, ये आएगा v स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस, इसको उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा आई थिंक u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहां से आ जाएगा माइनस टू जी एच। दिस इज इक्वेशन नंबर टू। तो दो इक्वेशन मिल गई आपको। अब अगर मैं इस वाली इक्वेशन का स्क्वायर करूं और इसको इसके साथ ऐड कर दूं तो देखो क्या आ जाएगा, v स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, और इधर क्या है u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इनको ऐड कर दो। इन दोनों में से क्या कॉमन है, v स्क्वायर कॉमन है, v स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा। चलो अब देखो उसको क्या करेंगे, तो दोनों में से v स्क्वायर कॉमन है, v स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है जल्दी बोलो, वन वन, तो वी स्क्वायर ही बचेगा यहाँ पे इक्वल टू। अब इन दोनों में से यू स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा अगेन वन हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर ये v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस टू जी एच। अब आप बोलोगे कि सर ये फॉर्मूला तो मेरे पता था, ये फॉर्मूला v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस टू एच से इसको कंपेयर मत करना, ये फॉर्मूला अलग है, ये फॉर्मूला अलग है। ठीक है, तो h हाइट पर वेलोसिटी निकालनी है तो वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस टू जी एच। आई बात समझ में? यस। ठीक है, चलो आगे देखें। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे थोड़े अच्छे। हमें रेंज का फॉर्मूला पता चल गया, एच मैक्स का फॉर्मूला पता चल गया। चलो देखो आगे। अब क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट फॉर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के लिए हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि जो y होता है, जो y होता है y इक्वल टू होता है x tan थीटा 1 माइनस x बाय r। ठीक है, r क्या है यहाँ पे, r इज फॉर रेंज। हमें प्रूव करना है कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के लिए जो y होगा किसी भी x डिस्टेंस पर उसको हम लोग इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। इसको आप डायरेक्टली रिजल्ट को ही भी याद रखना, जो बच्चे नीट के हैं और जेई वाले भी याद रखो, नीट वालों के लिए खासकर इस फॉर्मूले को डायरेक्टली याद रखना। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री थी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की याद है आपको क्या आया था, एक्स टेन थीटा वन माइनस क्या था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, हाफ बाई टू जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे टेन थीटा था साइन थीटा था, सही है सर, टेन थीटा ही है, यही था फॉर्मूला ना, यस सर टेन थीटा ही रिक्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला था, ये था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, दिस इज ऑल्सो द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ये भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है लेकिन इसको बस अलग फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर दिया। तो अब इससे ये लाना है मुझे, कैसे लाओगे? हाँ बेटा,
आर क्या है? आर रेंज है बेटा, आर इज फॉर रेंज। ठीक है, तो सबसे पहले रेंज का फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग रेंज का फॉर्मूला लिखते हैं, आर इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है रेंज का, अभी पढ़ा था हमने, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी, और फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। ठीक है, आर बराबर यू स्क्वायर टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। अब मुझे y इक्वेशन ऑफ बाय इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, यहां पे लिखोगे बाय इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से आपको पता है कि y जो होता है वो क्या होता है, y इक्वल टू होता है x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब मुझे देखो, आपको देखो इस ये प्रूफ करना है, तो सिंपल सा पता चल रहा है कि यहां पर x tan थीटा है, तो मुझे x tan थीटा को क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। तो मैं x tan थीटा को कॉमन ले लेता हूं, x tan थीटा, तो यहां पर मेरे पास बचेगा 1 माइनस, यहां पर x तो था ऑलरेडी g, तो एक x कम हो गया, u स्क्वायर, इसके पास tan थीटा नहीं था, तो tan थीटा यहां पर आपको डिवाइड में लेना पड़ेगा इंटू टेन थीटा, और टेन थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो यहां से देखोगे कि कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, और फिर यहां पे देखो टू यू स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा बाय जी, टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी, ये क्या हो जाएगा, रेंज बन जाएगा। तो वाई इक्वल टू हो जाएगा आपका एक्स टेन थीटा वन माइनस एक्स बाई आर। Hence proved. आया समझ में? Prove that, again question है, prove that for ground to ground projection. मान लो एक प्रोजेक्टाइल को मैंने इसे थ्रो किया यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पर, प्रोजेक्टाइल ऐसे गया, ऐसे गिर गया, कहीं पर भी एक पॉइंट ले लो, मान लो यहां पे एक पॉइंट ले लेता हूं, ये पॉइंट आपका ओ हो गया, ये हो गया आपका ए, ये पॉइंट हो गया बी, इस ओ से इसको मिलाया मैंने और एक पॉइंट को यहां से मिलाया, ये वाला जो एंगल है ये हो गया अल्फा, और ये वाला जो एंगल है ये हो गया आपका बीटा। तो मुझे प्रूफ करना है कि जो ये टेन थीटा होगा, टेन थीटा बराबर होगा टेन अल्फा प्लस टेन बीटा के, इस रिजल्ट को भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। टेन थीटा जो होगा वो बराबर होगा टेन अल्फा प्लस बीटा के, इसको प्रूफ करना हम लोगों को। मान लो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, आपको पता है कि ओ से लेके बी तक, अच्छा इस पॉइंट का नाम नहीं लिखा, इसका पॉइंट का नाम लेता हूं सी। तो देखो यहां से ये ओरिजिन मान लिया मैंने इसको, जहां से हम प्रोजेक्ट करते हैं उसको ओरिजिन मान लेते हैं हम लोग। तो मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है वो है एक्स, और यहां से पूरी जो डिस्टेंस होती है कितनी होती है, इसको रेंज बोलते हैं क्या। तो ये जो डिस्टेंस होगी ये क्या आर माइनस एक्स हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, क्या ये y हो जाएगा, क्योंकि tan अल्फा पूछा है तो मुझे इस वाले ट्रायंगल को लेना पड़ेगा,
और tan बीटा के लिए मुझे इस वाले ट्राइंगल को लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं tan अल्फा प्लस tan बीटा। तो tan अल्फा बताओ कितना होगा, जल्दी बोलो, y अपॉन x, और tan बीटा क्या होगा, y अपॉन r माइनस x। सॉल्व करो इसको, y इक्वल टू, सॉरी y कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा x, r माइनस x, और एलसीएम लेंगे r माइनस x प्लस x, x से x कैंसिल, ये हो जाएगा आपका y r x r माइनस x। तो अभी मैंने y निकाला था, y इक्वल टू मेरा कितना आया था पिछले वाले उसमें, मुझे पता है y इक्वल टू होता है x tan थीटा 1 माइनस x by r। इसको सॉल्व करो, ऐसा करो एलसीएम ले लो इसमें, तो ये जगह r माइनस x डिवाइडेड बाय r, इस y की वैल्यू को उठा के यहाँ पे डाल दो, y की वैल्यू को यहाँ पे डाल देंगे, क्या आ जाएगा देखो, x tan थीटा, आपको दिख रहा है क्या इधर, y की वैल्यू डालते हैं हम लोग, x tan थीटा r माइनस x बाई r इंटू, यहां पे क्या था, r x r माइनस x। तो देखो यहां पे x से x कैंसिल हो गया, r से r, r माइनस x से r माइनस x कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचेगा फाइनली, tan अल्फा प्लस tan बीटा इक्वल टू tan थीटा होता है किसी भी पॉइंट पर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के लिए, इस वाले एंगल का सम प्लस इस वाले एंगल का tan थीटा, tan निकाल के वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के tan के बराबर होता है। अगला सवाल देखो, अगला क्वेश्चन देखो, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड, अच्छा सवाल है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड सच दैट इट्स वेलोसिटी, इट्स velocity at highest point, at highest point, highest बोलो या h max बोलो, at highest point is under root 2 by 5 times of velocity at h max by 2, मतलब h max by 2 पर जो velocity है उसका root 2 by 5 times कहां पर है, highest point पर। find, क्या find करना आपको, angle of projection, कितना angle of projection होगा वो find करना है, find angle of projection, find angle of projection, आपको ऑप्शन भी दे रखे हैं, 37 डिग्री, 45 डिग्री, 45 के बाद आता है 53 डिग्री और नेक्स्ट 60 डिग्री। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम लोग,
तो देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन। अरे 7000, हाँ 37, 45, 53 और 60 डिग्री। ठीक है, तो मैं पहला पूरा क्वेश्चन रब कर देता हूँ ताकि मेरा पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर आ जाए। क्वेश्चन मुझे पता ही है, देखो इसका सॉल्यूशन। हमें इनिशियल वेलोसिटी कुछ गिवन नहीं है, ना ही हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन गिवन है। ये तो हमें निकालना है कि कितना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा। मैंने मान लिया कि इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है, थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू। ये वाला क्या होता है, आपका हाइएस्ट पॉइंट होता है, दैट इज एच मैक्स, और हमें क्या बोला, एच मैक्स बाय टू। तो एच मैक्स बाय टू कहां पर होगा, यहां पे कहीं, एच मैक्स का आधा, एच मैक्स बाय टू। मान लो यहां पर जो वेलोसिटी है वो कितनी है, वी वेलोसिटी है। तो यहां पर जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, आपको पता है टॉप मोस्ट पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाती है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहती है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होगी वो किसका रूट, अंडर रूट 2/5 टाइम्स ऑफ किसका, इस वाले वी का, तो इनटू ये वी कर देंगे। तो मुझे टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी पता चल गई कितनी, अंडर रूट 2/5 ये वी। अब इस वाले पॉइंट के लिए क्या करें, यहां पर एंगल नहीं पता, तो एंगल मैंने मान लिया यहां पर क्या है, अल्फा। तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, आपको पता है वी कॉस अल्फा, और ऊपर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, v sin अल्फा। उसी तरह से इनिशियल वेलोसिटी के भी कंपोनेंट करेंगे, u cos थीटा और ऊपर की तरफ u sin थीटा। ठीक है, अब अब मुझे यह पता है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो चेंज, यू कॉस थीटा, वी कॉस अल्फा, रूट टू वाई बाय वी, ये तीनों कंपोनेंट क्या होंगे, बराबर ही होंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा सेम रहता है प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो इसको इक्वेट करो, मतलब यू कॉस थीटा इसके बराबर होगा। पहला इक्वेशन लिखूंगा, यू कॉस थीटा बराबर होगा किसके, अंडर रूट 2/5 वी के, अंडर रूट 2/5 वी के। ये समझ में आया, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। और मुझे एक रिलेशन पता है कि एच हाइट पर मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूं। अभी मैंने एक रिलेशन पढ़ा था, बताया था आपको कि एच हाइट पर क्या फॉर्मूला होता है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो एच मैक्स पर कंपोनेंट नहीं लेना है, तो एच मैक्स बाय टू हाइट पर इसकी वेलोसिटी कितनी है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, सॉरी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g, और h की जगह क्या लिखूंगा मैं, h मैक्स बाय टू। अब क्या करो आप, वी स्क्वायर को तो वी स्क्वायर रहने दो, यू स्क्वायर 2g एच मैक्स बाय टू। एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा 2 से 2 कट गया यहाँ पे, तो जगह जी एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। यहां से जी से जी कैंसिल, यहां से वी निकाल लो, ऐसा करो यहां से वी निकाल लो, यहां से वी सॉल्व करोगे कितना आएगा, वी इक्वल टू आएगा अंडर रूट 5/2 u cos थीटा। इस v की वैल्यू को यहां पे डाल दो ताकि u u सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो देखो स्क्वायर करेंगे इसका तो हो जाएगा 5/2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, यहां से भी u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2। यू स्क्वायर यू स्क्वायर यू स्क्वायर, सारे यू स्क्वायर कैंसिल। अब इन टर्म्स को एक तरफ रख लो, थीटा वाले टर्म्स को, तो 5/2
cos square theta plus sin square theta by 2 equal to हो जाएगा 1। हमें theta ही निकालना है। सॉल्व करो इसको, देखो 5 cos square theta plus sin square theta क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा। 5 cos square theta को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 4 cos square theta plus cos square theta plus sin square theta equal to 2। अब ये cos square theta और sin square theta क्या बन जाएगा आपका, 1। 4 cos square theta plus 1 equal to 2, 1 उधर क्या आएगा, तो cos square theta हो जाएगा 1 by 2। डायरेक्टली कर रहा हूं मैं, cos square theta 1 by 2, तो cos theta कितना हो जाएगा, 1 by root 2। सही कर रहा हूं क्या मैं? Yes, sir. कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही कहीं? V की वैल्यू पुट करी, अंडर रूट 2/5 V था ना। ठीक है, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही? देखो ठीक है, यही गलती हो रही थी। 1 इधर जाएगा 2, 1 बचा, 4 डिवाइड में आया, तो ये हो जाएगा 1 by 2, cos theta equal to 1 by 2, तो theta की वैल्यू कितनी होगी, theta equal to 60 degree, ठीक है, theta equal to 60 degree आएगा, ठीक है। तो आपका ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन खत्म हो गया है, आपको ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के क्वेश्चन करने। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे प्रोजेक्शन फ्रॉम अ हाइट, जैसे हाइट का प्रोजेक्टर मोशन। शीट मैंने दे दिया है बेटा इसका, सर शीट मैंने सेंड कर दिया, ग्रुप में सेंड कर दिया, काइनेमैटिक्स नाम से। ठीक है सर, ठीक है।